वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स, ये आपके क्लास 11th की बुक स्नैपशॉट्स का सेकंड चैप्टर है द एड्रेस, और इसकी राइटर है मार्गा मिंको। ये जो स्टोरी है एक लड़की के बारे में और बहुत हार्ट टचिंग है, मतलब दिल को छूने वाली स्टोरी है ये, क्योंकि वो लड़की एक वार के बाद और बहुत समय गुजरने के बाद अपनी माँ की पुरानी चीज़ों को देखने और उनको वापस लेने के लिए हॉलैंड जाती है, और जब वो वहाँ जाती है तो उन चीज़ों को देख करके उसको अपनी पुरानी चीज़ें याद आने लगती हैं, और लास्ट में वो ये डिसाइड करती है कि वो इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ जाएगी। इस स्टोरी के जो नरेटर है वो स्वयं ऑथर ही हैं, तो जहाँ पर भी वर्ड मैं आएगा वो खुद नरेटर अपने लिए ही बोल रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पूछती हूँ कि क्या आप मुझे पहचानती हैं? वो औरत मुझे ऐसे देखती है जैसे वो जाने की कोशिश कर रही है। वो दरवाजे को ज़रा सा खोलती है, मैं थोड़ा सा उसके नज़दीक जा कर के खड़ी हो जाती हूँ। वो कहती है, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती। तो मैंने कहा कि मैं मिस एस की डॉटर हूँ। तो वो डोर को ऐसे पकड़े हुए थी कि कहीं वो ज़्यादा खुल ना जाए, और उसी ज़रा सी जगह से मुझे पहचानने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा कि नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती, बस मुझे एकटक देख ही रही थी केवल। मुझे लगा कि शायद मैं गलत जगह आ गई हूँ और ये वो औरत नहीं है जिसे मैं यहाँ पर ढूंढने आई हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत पहले वर्षों देखा था और मैंने उन्हें बस एक बार ही देखा है। मुझे लगता है मैं गलत घर की दरवाजे पर आ गई हूँ, और मैंने डोरबेल भी गलत घर की रिंग कर दी है। वो लेडी थोड़ा सा बाहर निकल कर के आई और साइड की तरफ खड़े होकर के मुझे देखने लगी। तभी मेरी नज़र उनके ऊपर पड़ी, और जो उन्होंने वूलन कार्डिगन पहन रखा था वो ग्रीन कलर का था, और मुझे पूरी तरीके से याद था कि ये मेरी माँ के द्वारा बनाया हुआ था। उसमें जो वुडन बटन लगे हुए थे वो काफ़ी फीके पड़ चुके थे, शायद वो बार बार धुलने की वजह से ही था। उसने जब देखा कि मैं कार्डिगन को देख रही हूँ तो वो फिर से डोर के पीछे चली गई और उतना ही अपने आप को छिपा लिया। लेकिन अब मुझे पता था कि मैं बिल्कुल सही जगह पहुँची हूँ। वेल, मैंने उनसे पूछा कि तुम मेरी माँ को जानती थी? वुमेन ने कहा कि क्या तुम वापस आ गई हो? मैंने मन में सोचा कि वो नहीं, सिर्फ मैं ही वापस आई हूँ। मैंने पीछे देखा कि उनके पीछे एक पैसेज में एक दरवाज़ा था जो बार बार खुल रहा था और बंद हो रहा था, और मुझे अजीब सी स्मेल भी आ रही थी अंदर से। वो कहने लगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। मैंने कहा कि मैं स्पेशली आपसे मिलने आई हूँ एक ट्रेन को पकड़ करके, और मैं आपसे बस थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। उसने कहा कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ अभी। तो मैंने कहा कि मैं किसी और टाइम आ जाऊँ। तो उसने ना में सिर हिलाया, फिर दरवाजे को बिल्कुल धीरे से बंद किया, और उनके बंद करने के तरीके से मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ये चाहती थी कि अंदर कोई है और वो दरवाज़ा बंद करने की वजह से डिस्टर्ब ना हो। फिर मैं जब खड़े होकर के सीढ़ियों के बगल से देख रही थी तो मुझे एक खिड़की दिखी जिसका पर्दा मुझे ऐसे लगा कि किसी ने हटाया और वो मुझे अंदर से देख रहा हो और ये जानने की कोशिश कर रहा हो कि मैं क्या चाहती हूँ। फिर मैंने सोचा कि वो मुझसे कह रही होगी, अरे नहीं नहीं वहाँ कुछ नहीं था, परेशान मत हो, कुछ भी नहीं था ऐसा। मैंने फिर से एक नेम प्लेट की तरफ देखा जिसमें लिखा था डार्लिंग, एक वाइट प्लेट पर लिखा हुआ था और ब्लैक कलर से लिखा हुआ था, और उसके ऊपर लिखा हुआ था 46। इसके बाद मैं स्टेशन की तरफ धीरे धीरे चली गई और मैं अपनी माँ के बारे में सोचने लगी। उन्होंने मुझे वर्षों पहले यह एड्रेस दिया था, और वार मुझे पता है कि वार का फर्स्ट हाफ चल रहा था। मैं कुछ दिनों के लिए घर पर आई थी, और मैं नोटिस किया मैंने कि मेरे रूम में जो भी चीज़ें थी वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रही हैं। मुझे समझ में नहीं आया था कि इसमें चेंजेस आखिर हो क्या रहे हैं। फिर मुझे बाद में ये नोटिस हुआ कि वहाँ से मेरी चीज़ें गायब हो रही थी। मेरी माँ बहुत सरप्राइज थी कि मैंने इतनी जल्दी ये सब चीज़ नोटिस कर ली। तब मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हो रहा है, तो उन्होंने मुझे मिसेस डार्लिंग के बारे में बताया। मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन हाँ मुझे इतना पता था कि वो मेरी माँ की ओल्ड एक्वेंटेंस थी, और उन्होंने भी बताया कि वो उनसे बहुत समय पहले से नहीं मिली हैं, लेकिन वो अब आई हैं तो अब मुझसे नए तरीके से कॉन्टेक्ट में हैं। मेरी माँ ने कहा कि जब भी हम वहाँ होते हैं और वो हमारे यहाँ आती हैं तो वो कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर के जाती हैं, और एक बार जाने पर इतना मान के चलो कि वो एक सूटकेस और एक बैग तो अपने साथ लेकर के ही जाती थी। मैंने देखा कि एक बार तो टेबल पे रखे हुए जितने भी सिल्वर आइटम्स थे वो अपने साथ लेकर के गई, और फिर एंटिक प्लेट्स, ये सारी चीज़ें। मुझे डर है कि कहीं क्रॉकरी ले जाते टाइम उन्हें कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत
हैवी हैं और उन्हें ले जाने में कोई परेशानी ना हो। मेरी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई और उसी ने मुझे यह सजेस्ट किया था कि ये जो मेरा सामान है वो सेव करना चाहती है, अगर हम उनसे इस तरीके से बोलेंगे तो मुझे लगता है कि उन्हें ख़राब लगेगा। बस मेरी माँ ने इतना ही कहा और उन्हें पता था कि मैं इन सब चीज़ों को कन्विंस नहीं कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस सिर्फ ऐसी ही नज़र से देखा और वहाँ से चले गए। ये सब सोचते सोचते मैं स्टेशन पर कब पहुँच गई मुझे पता नहीं चला और मैंने रास्ते पर किसी चीज़ में ध्यान भी नहीं दिया। मैं वार के बाद उस फैमिलियर स्पेस पर घूम रही हूँ जिसे मैं बहुत पहले समय बहुत अच्छे से जानती थी और मैं उन चीज़ को देख करके मैं ये सोच रही थी कि अब मैं इनको देख करके मैं अपसेट ना हो जाऊँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन पुरानी गलियों और घरों को नहीं देखूँगी जो मेरी पुरानी यादों से भरी हुई हैं। मैं ट्रेन में वापस गई। मिसेस डॉलिंग के बारे में मैंने सोचा जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा था तो उस टाइम मैंने अगली सुबह देखा कि मैं अपना डाउन स्टेयर से नीचे उतर करके आ रही थी और मेरी माँ किसी अजनबी औरत से बात कर रही थी। ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने मिसेस डॉलिंग को देखा था और उनका बैग काफ़ी चौड़ा था। मेरी माँ ने कहा कि देखिए ये मेरी डॉटर है, तो उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया और फिर सिर को ऐसे हिलाते हुए उन्होंने सूटकेस उठाया और चल दी। उन्होंने एक ब्राउन कोट पहन रखा था और एक स्पेसलेस यू कैन से कि शेपलेस एक हैट पहन रखी थी। मैंने देखा कि सूटकेस ले जाने में उन्हें दिक्कत हो रही, तो मैंने माँ से पूछा कि वो कितने दूर रहती हैं, तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, याद रखना। उस वक्त मेरी माँ ने मुझे ये एड्रेस बताया था, मुझे याद था, बट मैंने बहुत टाइम तक वेट किया क्योंकि मुझे इस कबाड़ में शायद कोई इंटरेस्ट नहीं था और कहीं ना कहीं मुझे डर भी लगता था इन सब चीज़ों को दोबारा से देखने पर, क्योंकि जो इनका कनेक्शन है वो मेरी बीती हुई लाइफ से है। ये सारी चीज़ें कबर्ड्स बॉक्सेस में थी और सालों से वो इंडोर कर रही थी, शायद इसलिए कि वो चीज़ें थी। लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया। बेड्स का कलर बिल्कुल लाइट हो गया था और एक पलंग था उस जगह पर जब मैं पहुंची, मैं वहां पर बिना डांट के उधर पर मैं सो भी सकती थी। एक रूम था जहां से मैं पीछे झा करके सब कुछ नोटिस कर सकती थी। तभी मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे फिर से उसी जगह पर जाना चाहिए और मुझे अपनी चीज़ों को देखना चाहिए। मैं मिसेस डॉर्लिंग के घर पर एक बार जा चुकी हूँ और सब कुछ वेस्ट हो गया था, तो मैंने निश्चय किया कि मैं सेकेंड टाइम ट्राई करूँगी। इस बार जब मैं गई तो एक 15 ईयर्स की लड़की ने डोर खोला। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी मदर घर पर हैं, तो उसने कहा नहीं वो किसी काम से बाहर गई हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं मैं वेट कर लूँगी, और मैं वो मुझे अंदर लेकर के गई। मैं पर्सेस से होकर उसके लड़की के पीछे पीछे गई तो मैंने एक कैंडल होल्डर देखा जो मिरर के पास टंगा हुआ था। उसे हमने कभी यूज़ नहीं किया था क्योंकि उसमें बहुत सारे होल्डर्स थे, इतने सारे कैंडल वेस्ट करने की जगह एक कैंडल जलाना ज़्यादा अच्छा था। मैंने देखा कि उसने लिविंग रूम खोला और मैं अंदर गई। वहाँ मुझे बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी, सारी चीज़ें बहुत अस्त व्यस्त थीं। उसने मेरी तरफ एक चेयर खिसकाई और कहा कि बैठ जाओ। मैं बैठ गई। फिर मेरी नज़र उस टेबल पर गई जिस पर एक टेबल क्लॉथ पड़ा हुआ था वूलन, और वो पहचाना हुआ था। मैंने उसमें हाथ फेरा, फिर मुझे याद आया कि इसमें एक बर्न स्पेस भी था, अगर इसको रिपेयर नहीं कराया होगा तो वो जला हुआ निशान ज़रूर होगा। वहाँ सब कुछ अगली सा लग रहा था, वहाँ एक अगली फर्नीचर भी पड़ा हुआ था, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेकार लग रही थी। लड़की ने कहा कि मेरी माँ आती ही होगी, मैंने उसके लिए चाय बनाई है, क्या तुम भी लोगी? तो मैंने कहा कि ओके। फिर वो अंदर आई और उसने चाय तैयार की रखी थी टेबल पर और वो चाय बना करके मेरे पास लेकर ही आ रही थी। तभी मैंने सोचा कि इसकी भी जो बैक है बिल्कुल उसकी माँ के जैसी ही काफ़ी ब्रॉड है, चौड़ी है, और वो जिस बर्तन से चाय डाल रही थी उसके लिड में साइड पर गोल्डन कलर का पॉलिश था। मुझे याद है कि ये मेरे ही घर का था। उसने एक बॉक्स खोला, उससे स्पून्स निकाले, तो मैंने कहा कि दैट्स अ नाइस बॉक्स, तो आवाज़ में एक अजीब सी गूंजपन थी जो कमरे में सुनाई दी, उसे भी सुनाई दी और मुझे भी सुनाई दी। उसने हंसी से कहा कि ये एंटीक है। उसने रूम में कई चीज़ों की तरफ इशारा करते हुए कि हमारे पास बहुत सारे एंटीक्स हैं, लेकिन मुझे उसके इशारों की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि वो किन चीज़ों की तरफ इशारा कर रही थी। वेल, वो सारी चीज़ें हमारी ही थी। फिर मैंने
टेबल के आसपास की लाइफ को देखा और मैं अपनी पुरानी लाइफ को सोचने लगी। उसने कहा कि देखो ये सारी चीज़ें हम रोज़ में यूज़ करते हैं और जो जो दीवार पर जो प्लेट्स हैंगी उसमें तो हम लोगों ने कभी कभी खाना भी खाया है। और मेरा हाथ टेबल क्लॉथ के उस जगह पर पहुंचा जहां पर बर्निंग मार्क था। वो लड़की मुझे अजीब से देखने लगी। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी क्योंकि तुम इन सब चीज़ों को हमेशा देखती हो तो तुम्हारा ध्यान भी नहीं जाता होगा। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ऐसी चीज़ों पर ध्यान कब जाता है? ऐसी चीज़ों पर ध्यान जब जाता है जब वो चीज़ें या तो हम खो देते हैं या वो चीज़ें डैमेज हो जाती हैं। एज एग्ज़ाम्पल फिर मैंने कहा कि जो भी हो, मैंने कहा कि एक बार मेरी माँ ने मुझे नीचे बुलाया पॉलिश करने के लिए और उन दोनों मैं अपने घर पर ही थी क्योंकि मेरी छुट्टियां चल रही थी। तो मैंने कहा माँ से कि आपने किस तरीके की चीज़ों पर मुझे पॉलिश करने के लिए बुलाया, तो उन्होंने बताया कि तुम्हें सिल्वर पॉलिश करनी है। फिर उन्होंने इशारा किया कि जो टेबल पर जितने भी नाइफ्स और प्लेट्स पड़ी हुई हैं, जितने भी क्रॉकरी आइटम्स हैं, ये सारे सिल्वर के ही तो हैं। तब मुझे बहुत शौक लगा कि हम जो चीज़ें यूज़ करते थे वो सारी चीज़ें सिल्वर की थी। और मुझे लगता है कि तुम्हें भी पता नहीं होगा कि तुम जो ये चीज़ें यूज़ कर रही हो ये सारी सिल्वर की हैं। तो उसने कहा कि अच्छा ऐसा है क्या? और वो हंसने लगी। वो मुझसे पूछती है कि क्या हम जिन पर खाते हैं क्या तुम उसके बारे में बात कर रही हो? तो मैंने कहा हाँ, मैं इन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ। फिर वो लड़की साइड में जाकर के ड्रॉर खोलने लगती है जहाँ पर उन लोगों ने कटलरीज रखी थी। तो मैंने कहा कि अब तुम कटलरी मत खोलो और मेरे जाने का टाइम हो गया, अब मुझे जाना होगा। तो उसने कहा ठीक है, मैं अकेले ही देख लूँगी। तो मैंने उससे कहा कि मुझे रास्ता पता है, मैं अकेले ही बाहर तक चली जाऊँगी। जैसे ही मैं जाने लगी तो मुझे उन स्पून्स की साउंड सुनाई देती है जो वो उन्हें देख रही थी। फिर मैं कुछ भी सोचते हुए मैं वहाँ से निकल गई क्योंकि मैं लेट हो रही थी। जैसे ही मैं रोड के उस तरफ पहुँची तो मेरी नज़र उस गली पर गई जहाँ पर लिखा हुआ था मार्टिन रोड। मैं समझ गई कि ये मार्कोनी रोड वही रोड है जो मेरी माँ ने बताया था और उस पर एड्रेस लिखा हुआ था 46। उस टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इस एड्रेस को हमेशा के लिए भूल जाऊंगी, मैं इसे कभी नहीं याद करूंगी क्योंकि मुझे वो लाइफ के बारे में याद दिलाती है जो बहुत अच्छी थी और मैं उसे खो चुकी हूँ। मैं उन चीज़ों को चाहूँ तो वापस ले जाऊँ लेकिन मैं कैसे उसे एडजस्ट कर पाऊँ क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वो एक रेंट का रूम है और बहुत छोटी जगह है। वहाँ पर इनफ स्पेस नहीं है कि मैं ये सारी कटलेरीज़ की चीज़ और सारी अपनी एंटीक पीसेस को मैं वहाँ रख पाऊँगी। इसलिए मैंने पूरी तरीके से निश्चय कर लिया था कि मैं अब इस एड्रेस को पूरी तरीके से भूल जाऊँगी और मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊँगी। इस तरीके से स्टोरी का एंड हो जाता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और ये मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया है और आपके क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।